हेलो बच्चों, मैं सोनू जागीर आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश का कक्षा 3। इंग्लिश का चैप्टर 3, साइंस एंड साइंटिस्ट, विज्ञान और वैज्ञानिक। विज्ञान ने हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित किया है वो इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं फिर। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, हम विज्ञान के युग में जी रहे हैं। इन एवरी वॉक ऑफ आवर लाइफ, जीवन के हर पड़ाव में वी आर अफेक्टेड बाय साइंस, विज्ञान से प्रभावित है। जीवन के हर पड़ाव में हम विज्ञान से प्रभावित है। इट हैज गिवन ए लॉट ऑफ कंफर्ट्स टू मैन, इसने आदमी को, मनुष्य को बहुत सारी सुख सुविधाएं इसने दी है। वी हैव प्रोग्रेस्ड सो मच ओनली ड्यू टू साइंस, वी हैव प्रोग्रेस्ड, हमने उन्नति की है सो मच ओनली किसके कारण, ड्यू टू साइंस, साइंस के कारण, हमने विज्ञान के कारण ही उन्नति की है। इट हैज शॉर्टेंड टाइम, इसने समय को एंड स्पेस स्थान को शॉर्टन यानी छोटा किया है। एंड हैज लेंथेंड द स्पेन ऑफ लाइफ, और जीवन की आयु को लंबा कर दिया है, जीवन की अवधि को लंबा कर दिया है। साइंस इज नॉलेज, विज्ञान ही ज्ञान है, नॉलेज यानी ज्ञान। मैन हैज रीजनिंग पावर, मनुष्य के पास तार्किक शक्ति है। ही थिंक अबाउट, वह सोचता है, हिज नीड, अपनी आवश्यकताओं एंड कंफर्ट, सुख सुविधाओं के बारे में, वह अपनी आवश्यकताओं और सुख सुविधाओं के बारे में सोचता है। ही डिस्कवर्स एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड, वह संसार में प्रत्येक चीजों की खोज करता है, वह संसार में प्रत्येक संभव चीजों की खोज करता है। दिस डिस्कवरी इज नॉन एज इन्विटेशन इन्वेंशन, यह खोज ही नॉन एज इन्वेंशन यानी आविष्कार के रूप में जाना जाता है, इस खोज को ही आविष्कार कहा जाता है। इसलिए साइंस इज सिस्टमेटिक नॉलेज, विज्ञान ही व्यवस्थित ज्ञान है। सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित, नॉलेज यानी ज्ञान, विज्ञान ही व्यवस्थित ज्ञान है। एंड द मैन हु प्रैक्टिस, और जो आदमी प्रयास करता है, इट इज कॉल्ड ए साइंटिस्ट, उसे वैज्ञानिक कहा जाता है। और जो आदमी प्रयास करता है उसे वैज्ञानिक कहा जाता है। वट एवर ही फाइंड्स आउट ए और मैक्स इज कॉल्ड हिज इन्वेंशन, जो भी वह फाइंड्स यानी खोजता है या बनाता, आउट और मैक्स बनाता है, जो भी वह खोजता है या बनाता है, इज कॉल्ड हिज इन्वेंशन, वही आविष्कार कहलाता है। मैनी साइंटिस्ट हैज इन्वेंटेड मैनी थिंग्स, मैनी साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड मैनी थिंग्स, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीजों का आविष्कार किया है। यू गो टू ए डिस्टेंस प्लेस सिटिंग इन ए रेलवे ट्रेन, आप ट्रेन में बैठकर दूर कहीं स्थान पर जाते हो। एन इंजन, एक इंजन, आइदर स्टीम इंजन या भाप वाला इंजन, और डीजल इंजन या डीजल वाला, और डीजल इंजन पुल्स द ट्रेन, ट्रेन को खींचता है। जो इंजन होते हैं, रेल वाला भाप वाला इंजन और या डीजल वाला इंजन, वो ट्रेन को खींचते हैं। स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट, भाप वाले इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने
किया। हु वॉज एन इंग्लिश साइंटिस्ट, जो कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। यू फ्लाई फ्लाई इन द एयर लाइक बर्ड, तुम उड़ते हो एयर लाइक यानी हवा में, बर्ड्स पक्षियों की तरह, तुम हवा में पक्षियों की तरह उड़ना चाहते हो। यू कैन रीच, तुम पक्षियों की तरह हवा में उड़ते हो। यू कैन रीच, तुम पहुंचते हो एनी पार्ट, किसी भी हिस्से में ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के विथ इन ए फ्यू आवर्स, कुछ ही, तुम दुनिया के किसी भी हिस्सों में कुछ ही देर में या कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हो। डू यू नो, तुम जानते हो, हु इन्वेंटेड दिस एरोप्लेन, किसने एरोप्लेन का आविष्कार किया? क्या तुम जानते हो एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द एरोप्लेन। राइट ब्रदर्स दो भाई थे, ऑरविल ब्रदर्स एंड विल्बर ब्रदर्स, ये दो भाई थे, इन्होंने एरोप्लेन का आविष्कार किया। एंड मेड आवर लॉन्ग जर्नीज फास्ट एंड कंफर्टेबल, और इन्होंने लंबी यात्राओं को तेज और सुख सुविधा पूर्वक उन्होंने आरामदायक बना दिया। तो बच्चों, एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया? अभी एरोप्लेन का आविष्कार ऑरविल राइट एंड विल्बर राइट, दो भाई हैं ये, इन्होंने मिलकर एरोप्लेन का आविष्कार किया। वी कांट डू एनी थिंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, हम नहीं कर सकते एनी थिंग, कुछ भी, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट टू एयर वाटर एंड फूड, उसके बाद हवा पानी और भोजन के बाद में बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली विच इज मोस्ट नेसेसरी फॉर अस, बिजली हमारे लिए बहुत जरूरी है, जैसे कि हमारे लिए पानी, हवा और भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे जीवन में बिजली की भी बहुत इम्पोर्टेंस है। इट वॉज वोल्टा हु इन्वेंटेड द बैटरी, इसका आविष्कार किसने किया बिजली का? वोल्टा ने। द बैटरी टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टा ने एक बैटरी का आविष्कार किया जो कि बिजली को स्टोर करती है, एकत्रित करती है। इलेक्ट्रिसिटी हेल्प्स, इलेक्ट्रिसिटी मदद करती है अस इन मैनी वेज, इलेक्ट्रिसिटी हमें कई चीज़ों में मदद करती है। इट गिव्स अस, यह हमें देती है लाइट्स, प्रकाश, मूव्स और फैंस, हमारे पंखे चलते हैं बिजली के द्वारा, कुक्स ओवर फूड, हमारा भोजन बनता है, एंड रन्स मील्स एंड फैक्ट्रीज, और यह फैक्ट्रियों में और मील्स में भी यह बहुत चलती है। तो बिजली भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मार्कोनी वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, मार्कोनी एक महान वैज्ञानिक थे। हु इन्वेंटेड रेडियो एंड वायरलेस, जिन्होंने आविष्कार किया रेडियो और वायरलेस यानी बेतार का। मार्कोनी ने एक बहुत महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और वायरलेस यानी बेतार का आविष्कार किया। विथ द हेल्प ऑफ टेलीफोन एंड वायरलेस, टेलीफोन और वायरलेस की मदद से, बेतार की मदद से, वी कैन टॉक टू एनीबडी इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, बेतार और टेलीफोन की मदद से हम दुनिया में किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पर वी कैन सी द एक्टिंग, हम अभिनय देख सकते हैं। एंड हियर द वॉइस ऑफ एन आर्टिस्ट, और सुन सकते हैं, आर्टिस्ट यानी कलाकार, हम कलाकारों की आवाज सुन सकते हैं। हम टीवी पर एक्टिंग यानी अभिनय देख सकते हैं और कलाकारों की आवाज सुन सकते हैं।
नाउ अब साइंस हैज कंट्रीब्यूटेड ए लॉट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। अब साइंस ने यानी विज्ञान ने कंट्रीब्यूट यानी योगदान दिया है ए लॉट इन द फील्ड कई क्षेत्रों में ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। दवाइयाँ और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने योगदान दिया है। मोस्ट ऑफ द इनकरेबल डिजीजेस आर नाउ करेबल। मोस्ट ऑफ द इनकरेबल बहुत सारी लाइलाज बीमारियां अब नाउ करेबल यानी ठीक होने लगी है। दस इस प्रकार स्पेन ऑफ लाइफ ऑफ मैन हैज बिकम लॉन्ग। इस प्रकार मनुष्य की जो आयु की लंबी अवधि को विज्ञान ने लंबी कर दी है यानी आयु को लंबा बढ़ा दिया है, अवधि को बढ़ा दिया है। तो विज्ञान ने मनुष्य के जीवन की अवधि को लंबा कर दिया है। द मोस्ट एस्टोनिशिंग इन्वेंशन ऑफ साइंस इज जर्नी टू द मून। विज्ञान की आश्चर्यजनक आविष्कार चंद्रमा की यात्रा करना है। वी कांट फॉरगेट माइकल कॉलिंस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन हु वर द फर्स्ट वुमेन्स टू रीच द मून। हम नहीं भूल सकते माइकल कॉलिंस को, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को और एडविन एल्ड्रिन को, जो कि द फर्स्ट ह्यूमन पहले मानव थे टू रीच पहुंचने वाले मून चंद्रमा पर, जो कि चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले मानव थे। दस इस प्रकार साइंटिस्ट हैव मेड इम्पॉसिबल वर्क्स पॉसिबल एंड दिस वे वास्ट अनलिमिटेड यूनिवर्स हैज श्रंक इन साइजेस। इस प्रकार विज्ञान ने असंभव कार्यों को भी संभव और विस्तृत ब्रह्मांड को आकार में छोटा कर दिया है। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों ने असंभव कार्यों को भी संभव कर दिया है और ब्रह्मांड में विस्तृत आकार को भी छोटा वो विस्तृत ब्रह्मांड को आकार में छोटा कर दिया है। तो बच्चों इस प्रकार विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत योगदान है। विज्ञान ने कई क्षेत्रों में हमें योगदान दिया है, जैसे कि वैज्ञानिक ने चंद्रमा पर यात्रा की और विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत योगदान है। तो बच्चों आगे पढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग कंफर्ट्स यानी जॉयस, स्पेन पीरियड, कंट्रीब्यूशन, हेल्प, इनकरेबल, विच कैन नॉट क्यूर कर, एस्टोनिशन, वंडरफुल, यूनिवर्सेस, एवरीथिंग, एक्साइटिंग, यूनिवर्स, एवरीथिंग, एक्सिस्टिंग, श्रंक, टू बिकम स्मॉलर। तो चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। सम इन्वेंशंस आर गिवन अंडर ए। राइट द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड देम अंडर बी। यहाँ पे जो ये दे रखे हैं और किसने इनके आविष्कार किए वो हमें यहाँ पे नाम लिखना है। तो इन्वेंशन ऑफ एरोप्लेन, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया वो हमें लिखना है। राइट ब्रदर्स, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स। इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, भाप वाले इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट। जेम्स वाट।
इन्वेंशन ऑफ बैटरी, बैटरी का आविष्कार किसने किया? वोल्टा, इन्वेंशन ऑफ रेडियो एंड वायरलेस, रेडियो और बेतार का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। तो ये था बच्चे बच्चों आविष्कारक, और ये इनका आविष्कार किया। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन बिलो, इन्वेंशंस ऑफ साइंस हैव एडेड टू द कंफर्ट्स। कंफर्ट्स, मदर टेरेसा इज नॉट ए साइंटिस्ट। टेलीफोन हैज ऑल्सो बिकम ए नेसेसिटी फॉर बिजनेस, बिजनेसमैन एंड लीडर्स। टेलीफोन जनरली आर लीडर्स यूज एरोप्लेन्स फॉर गोइंग फ्रॉम अदर प्लेस टू अनादर। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर विज्ञान और वैज्ञानिक। अब हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।